चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं ऑर्गेन या फिर ऑर्गेन सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेट वे में होनी चाहिए जिससे होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, तालमेल। तो तालमेल किसका, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रखें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें, तालमेल बना के रखें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, और इसी वजह से हमारी बॉडी जो काम कर रहे हैं, हम अपना हाथ हिला पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ये सब क्या है, ऑर्गेन के तालमेल की वजह से सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेन इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को। जैसे मैं बात करूँ फिजिकल एक्सरसाइज की, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ होती है, और जो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है वो नेसेसिटेट करती है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो, इंक्रीज़ हो, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं, जो एक्टिविटी है नर्व की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, वो वापस से कहाँ आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो इस तरीके से जो फंक्शन है मसल्स का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल, किडनी और अदर ऑर्गेन, ये कोऑर्डिनेट है जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इन सब की तो ये हो गया, जो ये दिए हैं मसल्स, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, ये कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और अगर हम कोई और सी एक्सरसाइज, कुछ और एक्टिविटी करेंगे तो उससे कंसर्न ऑर्गेन अपने आप में कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट, जॉइंटली कोऑर्डिनेट होकर सारी एक्टिविटीज़ को, जो हमारे ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ है उसको इंटीग्रेट करते हैं, जिससे हम एक सिंक्रोनाइज फैशन में सब काम कर पाए, ठीक है। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, किसका ऑर्गेनाइज नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तक। मतलब ये देखिए आप, हम अपनी बॉडी के, हमें पता भी नहीं है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक न्यूरल सिस्टम है जो इतनी सारी न्यूरल सिस्टम है जो इतना सिग्नल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अभी हम सोचते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं उस चीज़ को, फिर हम वो करने भी लगते हैं। तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं अपना अंगूठा हिलाऊँ या फिर मैं अपनी मसल्स को अपलिफ्ट करो, तो ये सब के सब क्या है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू है। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का, फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से ही एक क्विक कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एकदम से हम स्टिमुलाई को रिसीव करके सिग्नल हम अपनी बॉडी को कमांड कर सकते हैं, हमारा माइंड कमांड कर सकता है बॉडी को, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हार्मोन्स के थ्रू। इस चैप्टर के अंदर आप न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमंस में न्यूरल कोऑर्डिनेशन का क्या मैकेनिज्म है, जैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन, इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनेप्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जो होता है सारे एनिमल्स का वो कंपोज्ड हुआ रहता है हाईली स्पेशलाइज्ड कॉल सेल कॉल न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है, ठीक है, जो डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है स्टिमुलाई को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे हाइड्रा हुआ, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इंसेक्ट के अंदर, जहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया इन न्यूरल टिश्यू। न्यूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है इन केस ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट। जैसे एग्जांपल में हाइड्रा दिया है, हाइड्रा के अंदर सिर्फ आप नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखेंगे, ठीक है। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इंसेक्ट में, जहाँ पर ब्रेन के साथ साथ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रा के अंदर और भी ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। बात करते हैं अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया गया है इंटू टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, और ये जो है ये साइट होती है फॉर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है। PNS के अंदर नर्व्स आ जाते हैं, बॉडी की नर्व्स आ जाती हैं जो CNS से एसोसिएटेड है। तो PNS कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस के अंदर क्या है, ये द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्व फाइबर की बात करें तो एक अपफ्रंट फाइबर होता है और एक इफ्रंट फाइबर होता है। अपफ्रंट फाइबर क्या करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गेन या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गेन से कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और इफ्रंट फाइबर क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेटरी इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गेन। पीएनएस को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स। और बात करें हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की, तो ये ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉलेंट्री ऑर्गेन में। ठीक है, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो तो स्केलेटल मसल्स पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन करा दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में। दैट मीन्स ये स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, हमारे हम खुद से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं हम ऑटोनॉमिक की, तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स का ट्रांसमिट कराती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द इन्वॉलेंट्री ऑर्गेन। कहाँ पर आएगा इसमें, इन्वॉलेंट्री ऑर्गेन आएगा या फिर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल भी हमारी क्या होती है, इन्वॉलेंट्री होती है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इन्वॉलेंट्री ऑर्गेन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहाँ रिले करता है अपना इम्पल्स, और ये हो गया हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात। तो सोमैटिक का हो गया हमारा स्केलेटल मसल्स पर लेके जाती है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहाँ लेके जाती है इम्पल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्वॉलेंट्री ऑर्गेन और स्मूथ मसल्स पर। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। न्यूरोन एज अ स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, न्यूरॉन जो कि न्यूरल सिस्टम की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो जिसके तीन मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें टाइपिकल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्टेन ग्रैन्यूलर बॉडीज होती हैं, निसल्स ग्रैन्यूल जिसे कहा गया है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है विद टाइपिकल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्रैन्यूलर बॉडीज प्रेजेंट होती है जिनको निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। शॉर्ट फाइबर जो रिपीटेडली ब्रांच हुए रहते हैं, फाइबर हुए फिर उनसे ब्रांचेस निकलती है, ये प्रोजेक्ट हुई रहती है सेल बॉडी से, जिसके अंदर भी क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये फाइबर इम्पल्स को ट्रांसमिट कराते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये फाइबर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है डिस्टल एंड जिसका ब्रांच हुआ रहता है। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच हुआ रहता है, एक्सॉन। एक्सॉन का डिस्टल एंड क्या है, ब्रांच्ड, और हर एक ब्रांच टर्मिनेट हो जाती है एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल साइनेप्टिक नोब। हर एक ब्रांच टर्मिनेट हो जाती है इनटू द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या होती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है, और साइनेप्टिक वेसिकल केमिकल्स कंटेन करती है जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। एक्सॉन नर्व इम्पल्सिस का ट्रांसमिट कराती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सॉन क्या कराती है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराती है सेल बॉडी से अवे। ठीक है, देखो डेंड्राइट पर आएगा नर्व इम्पल्स, फिर उसके बाद सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, तो एक्सॉन फिर दोबारा से कहाँ लेके जाए, दोबारा नहीं सॉरी, वो एक्सॉन कहाँ लेके जाएगी, जो उसकी टर्मिनल टर्मिनल साइनोप्टिक नोब है वहाँ पे लेके जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि जो एक्सॉन है ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन कराती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक, एक्सॉन ट्रांसमिट कराती है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। एक्सॉन के नंबर के बेसिस पर और डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पर न्यूरॉन को तीन तरीके के टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसमें मल्टीपोलर, फिर है बाईपोलर, और फिर है उसके बाद यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एग्जॉन होगा साथ में
दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। बाइपोलर के अंदर एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा, ठीक है, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा जो रेटिना में पाया जाता है। आई की रेटिना में पाया जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन। फिर बात करते हैं यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर के अंदर सेल बॉडी होती है जिसमें एक एक्सॉन होता है सिर्फ। यूनिपोलर में डेंड्राइट नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सॉन होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। दो तरीके के एग्जॉन होते हैं, एक माइलिनेटेड और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर श्वान सेल से एनवेलप्ड हुए रहते हैं जो माइलिन शीथ के फॉर्मेशन कराते हैं, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एग्जॉन, एग्जॉन के अराउंड माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराते हैं। जो गैप है दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रनवायर। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवायर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर श्वान सेल से इनक्लोज्ड हुई रहती है जो माइलिन शीथ एग्जॉन के राउंड नहीं बनाती है और जिसको कॉमनली ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया देखा जाता है, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज्ड हुई रहती है श्वान सेल से, और ये श्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराते हैं अराउंड द एग्जॉन, ठीक है। अब जो गैप है माइलिन शीथ के बीच में, जो माइलिन शीथ के बीच में गैप है इसको कहते हैं नोड ऑफ रनवायर, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करेंगे कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि नर्व फाइबर, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती है। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स क्या थी, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होगी, श्वान सेल से एनक्लोज हुई रहती है। देखो श्वान सेल से दोनों ही एनक्लोज है, माइलिनेटेड भी और माइलिनेटेड भी, लेकिन माइलिनेटेड में क्या है, श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करा देती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, श्वान सेल ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कराते हैं अराउंड द एक्सॉन, और इसको कहाँ कहाँ मिलता है ये, इसलिए कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और इसको कहाँ कॉमनली देखा जाता है, कहाँ पाया जाता है, ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर श्वान सेल से एनक्लोज हुई रहती है लेकिन ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कराती है, और कॉमनली ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाई जाती हैं। ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या थे, सब डिवीज़न है PNS के अंडर में, ठीक है। PNS की भी सब डिवीज़न थी सोमैटिक और ऑटोनॉमस सिस्टम, तो इस सब डिवीज़न में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से वीडियो एंड होती है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।